Assalamu alaikum friends, I'm your host and you're watching Fragrance Files. So aaj jis fragrance ka hum review karenge uska naam hai Uroosa By J. 50 ml ka juice hai isme aur EDP concentration hai iska kuch is tarah ke box aur packing mein aati hai and it's made in UAE. Is fragrance ko jab maine first time buy kiya tha to mujhe yahi laga ki ye 100 ml hai. और जे डॉट एक बहुत अच्छी फेमिनिन फ्रेग्रेंस कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, मगर बॉटल की हाइट से नहीं लगता कि ये 50 ml होगी। एक लाइटवेट प्लास्टिक का कैप है इसका और कैप का ये टॉप क्रिस्टल का नहीं बल्कि प्लास्टिक का है। कैप काफी हद तक फिट बैठती है और बॉटल भी 50 ml होने की वजह से थोड़ी लाइट वेट है, सो कैप की मदद से आप बॉटल को उठा सकते हैं। जे डॉट एक पाकिस्तानी डिजाइनर हाउस है जिसकी शुरुआत मरहूम जुनैद जमशेद ने सन 2002 में की थी और शुरुआत में यह हाउस सिर्फ शलवार कमीज मैन्युफैक्चरर्स थे, मगर बहुत कम अरसे में यह हाउस काफी फेमस और सक्सेसफुल हुआ और फिर इन्होंने अपने हाउस में मेल फीमेल और चिल्ड्रन वेयर पे भी काम किया जिसमें क्लोथिंग शूज फ्रेग्रेंसेस और कॉस्मेटिक्स शामिल हैं। और आज पाकिस्तान भर में 100 से ज्यादा इनकी आउटलेट्स मौजूद हैं और इस हाउस का बिजनेस नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि मजीद 20 से भी ज्यादा आउटलेट्स UK कनाडा UAE न्यूजीलैंड कतर और मजीद कुछ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। और आज ये डिजाइनर हाउस एशिया के मशहूर डिजाइनर हाउसेज में से एक है। उरूसा अरबी जबान में मुस्लिम गर्ल नेम है जिसका मतलब होता है ब्राइड या दुल्हन। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की एक और ब्लॉकबस्टर और बेस्ट सेलिंग फेमिनिन फ्रेग्रेंस का रिव्यू शेयर करूंगा जिसकी पिक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वसीम अक्रम 5024 हर बाय जे डॉट उरूसा नवा बाय जे डॉट और ये उरूसा बाय जे डॉट। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके नोट्स में एप्पल ब्लैक करंट गार्डिनिया जैसमिन पचूली वेनिला और सैंडलवुड है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको फ्रेश और फ्रूटी ओपनिंग मिलेगी जिसमें हल्के से स्वीट ऑरेंज के नोट के साथ एक बहुत ही ज्यादा रिफाइन और रिफ्रेशिंग सा ग्रीन एप्पल का नोट फील होगा। एक से दो मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको फ्रेश सिट्रसी और थोड़ा सा स्वीट ग्रीन एप्पल नोट के साथ एक रियल और फ्रेश जैस्मिन का बहुत खूबसूरत सा नोट फील होगा। साथ ही साथ इसमें थोड़े से स्वीट और सॉफ्ट वेनिला के नोट्स फील होंगे। दो से तीन घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इस फेज में आपको सॉफ्ट और डिसेंट सैंडलवुड का नोट लाइट पचूली वेनिला और व्हाइट फ्लोरल नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट सी फ्रेग्रेंस है और इसकी ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक आपको और आपके आसपास लोगों को ऐसा फील नहीं होगा कि आपने एक सस्ती या इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस वेयर की है। ये एक बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की फेमिनिन फ्रेग्रेंस है जो कि स्टिल बहुत कम प्राइस में ऑफर हो रही है। ये फ्रेग्रेंस एक फ्रेश फ्रूटी फ्लोरल और थोड़ी सी वुडी फ्रेग्रेंस है और इस फ्रेग्रेंस में किसी किस्म की हार्शनेस नहीं है। बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड और सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है और पर्सनली मुझे जब भी किसी ऐसी फीमेल को गिफ्ट करना हो जो फ्रेग्रेंसेस को ज्यादा लाइक नहीं करती तो मैं यही फ्रेग्रेंस गिफ्ट करता हूँ। एज की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट सॉफ्ट और हाई क्वालिटी की फील देने वाली फेमिनिन फ्रेग्रेंस है जिसका एज से कोई ताल्लुक नहीं, सो 18+ किसी भी एज की फीमेल्स इसे वेयर कर सकती हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप डे या नाइट कभी भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर आउटडोर ऑफिस कॉलेज किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकती हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 1 से 1.5 घंटों के करीब इसकी डिसेंट प्रोजेक्शन है और शुरुआत में 1 घंटा या आम लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है और 4 से 5 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे तो जे डॉट पर हर 2-3 महीने बाद डिस्काउंट या सेल ऑफर्स लगती रहती हैं जिसमें 10, 20 या 40% तक ऑफ होता है, मगर आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 2700 रुपए है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं सॉफ्ट स्पोकन नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 out of 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8 out of 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 7.5 out of 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 out of 10। इस फ्रेग्रेंस में एप्पल और जैस्मिन का नोट बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और खूबसूरत है और इस फ्रेग्रेंस के फ्रेश ग्रीन एप्पल की फील बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि एक लग्जरी एप्पल बेस्ड शैम्पू में देखने को मिलती है। आप में से एक फीमेल सब्सक्राइबर ने मुझे परसों फेसबुक पे मैसेज करके नाराजगी का इजहार किया और कहा कि आप काफी अरसे से फीमेल फ्रेग्रेंसेस पर फोकस नहीं कर रहे, सो मैंने अपकमिंग तमाम फ्रेग्रेंसेस के शेड्यूल्स पोस्टपोन करके ये रिव्यू शेयर किया है और अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर महीने 2-4 फेमिनिन फ्रेग्रेंसेस के भी रिव्यू शेयर करूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।